गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। हमारे पास आज यहाँ पे आ चुकी है फायर वर्ल्ड की वंडर वॉच, जो कि अंडर 2000 में एक बेस्ट कॉलिंग वॉच लगी इस प्राइस फीचर्स रेंज में। इसकी सेल फर्स्ट जो सेल हुई थी फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट हुई थी 20 जुलाई को, एंड आज हम इसकी अनबॉक्सिंग्स एंड ईच एंड एवरी शेयर करने वाले हैं, साथ ही साथ यहाँ पे इसके टोटली रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल पर नए होंगे तो इसी टाइप से न्यूली जो सेल्स प्रोडक्ट्स एंड गैजेट्स की अनबॉक्सिंग्स होती है उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं इसके ऑन द बॉक्स डिटेल्स की। ऑन द बॉक्स आपको यहीं पे ऊपर में फायर वर्ल्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है विथ वॉच पे 1.8 इंच की ब्लूटूथ कॉलिंग एक स्मार्ट वॉच के साथ। साइड में इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो 1.8 इंच की IPS डिस्प्ले मिलती है, ब्लूटूथ कॉलिंग, इनबिल्ट गेम्स, 120+ स्पोर्ट्स मोड्स, वॉइस असिस्टेंस एंड प्ले फोन म्यूजिक एक्सेट्रा। पीछे की तरफ यहाँ भी आपको काफी सारे डिटेल्स मिल जाते हैं, जहाँ पे स्पोर्ट टू स्मार्ट नोटिफिकेशन, कैमरा, हार्ट रेट रेटिंग IP67 की, वाटर प्रूफ रेजिस्टेंस, वेदर स्लीप, 7 डे बैटरी, 8 थीम के साथ आ जाती है। प्राइसिंग की बात करूँ तो 11,999 है, बट एक्चुअल प्राइस तो आपको थंबनेल में भी पता चल गया, नीचे भी लिखी हुई है। नाउ अब हम बढ़ते हैं इन द बॉक्स कंटेनिंग्स। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले ऊपर में एक तरफ मिल जाती है फायर वॉल्ट की इस तरह से कुछ ब्रांडिंग की हुई एक ट्रांसपेरेंट पेपर, एंड साथ ही साथ यहाँ पे हमारी ये रही मेन प्रोडक्ट्स जो कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर में मैंने परचेस की हैं। एंड इसके अलावा अगेन आपको जैसे कि कुछ यहाँ पे इनके पेपर वर्क्स हैं जिसको हमें अभी जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको जो है एक मैग्नेटिक चार्जर मिल जाती है जिसकी हम अभी टोटल रिव्यू शेयर करेंगे, एंड पेपर वर्क्स एक्सेट्रा जो है आप वारंटी एक्सेट्रा के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें काफ़ी सारे मैनुअल गाइड्स दिए हैं जिनकी अभी जरूरत नहीं है, हम इसे फिलहाल तो अभी साइड करते हैं। तो अब हम देखेंगे इसके ऑल ओवर वॉच के टोटली इंटरफेस को। सो सबसे पहले मैं बात करूँ ऑल ओवर वॉच के लुक्स की, जो मुझे काफ़ी स्टनिंग गुड लुकिंग्स लग रही हैं। ऊपर इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे आपको बकल्स जो है मिल जाते हैं, वो भी स्टेनलेस स्टील के फायर वोल्ट की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे मिल जाती है। एंड जो पीछे की तरफ मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए एक मेटल की यहाँ पे टोटली जो फ्रेम नहीं है प्लास्टिक फ्रेम है, चार्जिंग केबल्स है। एंड इसके अलावा जो है यहाँ पे आप इसे ईजिली जो है वॉच स्ट्रैप्स को यहाँ से पुल आउट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे स्पीकर्स मिल जाती है, वन साइड पे आपको पावर ऑन ऑफ बटन्स मिल जाते हैं। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है एक्चुअली आपको मिलेंगी जब स्क्रीन के हम गार्ड को हटाते हैं तो। एंड सिलिकॉन की बात करूं तो यहाँ पे वे स्ट्रैप्स जो है सिलिकॉन बेस्ड है, जो मुझे काफी अच्छी लगी है, काफी कंफर्टेबल फील के साथ आई है। तो अब फटाफट हम इसे यहाँ से ऑन कर लेते हैं। इसकी जो AI इंटरफेस रही है वो मुझे काफी अट्रैक्टिव लगी है। सो जहाँ पे स्टार्टिंग में ही ऊपर में आपको डायरेक्ट वन टैप पे टैप करते हैं तो इनबिल्ट आपको यहाँ पे टोटली 10 वॉच फेसेस मिल जा रहे हैं। सो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। इसके अलावा भी और भी वॉच फेसेस है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो फर्स्ट DNG एंड ब्राइटनेस लेवल है जिसपे यहाँ पे आप अपने ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, बैटरी इंडिकेशन, एंड यहाँ पे मेन्यू है, मेन्यू भी उसको आप बहुत सारे इस तरह से कैटेगरीज वाइज है, लिस्ट वाइज है, एंड इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं जैसे कि आपको जो भी अट्रैक्टिव वॉच को और बना देती हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप नॉर्मली अभी मैं फिलहाल जो है इसे ग्रिड वर्सन में ही रखूंगा ताकि जो अच्छे से सब चीज़ विजिबली जो है दिखे। इसके अलावा जो है कॉलिंग फंक्शंस हैं, एंड सेटिंग्स की मैं बात करूँ तो सेटिंग्स में यहाँ पे आपको मिल जाती है डिस्प्ले। डिस्प्ले में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे ब्राइटनेस, ऑटो स्लिप की आप जो टाइमिंग्स है उसको एडजस्ट कर सकते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल ऑप्शन है। वॉच फेसेस है, ऑटो स्लिप्स है, मेनू व्यू है, एंड क्विक व्यूअर्स है भी मेनू है जो कि वेक टू रेस का काम करती है। वहीं पर इसके अलावा जो है कॉल अलर्ट, DND, लो पावर मोड एंड फोन एक्सेट्रा जो है सारे ऑप्शंस आपको सेटिंग्स के ही अंदर मिल जाते हैं। ब्लूटूथ रीसेट का सिस्टम एंड अबाउट के ऑप्शंस मिल जाती है। सिस्टम पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको रीसेट, पावर ऑफ एंड रीसेट का ऑप्शंस मिल जाता है। सो ये सब जो है काफी यूजफुल ऑप्शंस है। नीचे की तरफ ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको मैसेज नोटिफिकेशन मिल जाती है। लेफ्ट टू राइट स्वाइप करने से मेन्यूज एक्सेट्रा जो है आपके रहेंगे टोटली, सारे जितने इनबिल्ट एप्लीकेशन जो है सारे वो आपको दिख जाएंगे। राइट टू लेफ्ट में आपको एक्टिविटी मिल जाती है। इसके अलावा फोन कॉल है जहाँ पे डायरेक्टली फोन यूज कर सकते हैं। स्लिप की डाटा आएंगी, हार्ट रेट, प्ले म्यूजिक, वेदर ब्रॉडकास्ट, एंड आप अलग से इसमें मेनू भी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली जो आपको पसंद आए, या फिर उसमें जो है आप किसी तरह के अलग से चेंजेस करना चाहते हैं। सो नाउ अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑल ओवर मोबाइल एप्स इंटरफेस के बारे में। मोबाइल इंटरफेस की जो लुक्स है वो काफी सिंपल सी है। जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं ऊपर में आपके स्टेप्स काउंट, स्लीप्स, हार्ट रेट, BP, ब्लड ऑक्सीजन लेवल एंड आउटडोर की एक्टिविटी सारे जो है दिखने को मिल जाती हैं।
सो जितने भी स्टेप्स काउंट किए मैंने एक्यूरेसी के साथ जो है यहाँ पे दिखाई है। एंड यहीं पे आप मिडिल पे आते हैं तो आपके फायरवॉल्ट वहाँ पे आपको मोबाइल की जो अपने वॉच की जो यहाँ पे आपकी बैटरी रहेंगी वो सब दिख जाएंगे। वॉच फेसेस डायरेक्टली सेम है, यहाँ पे अभी ये लोड हो रही है नेटवर्क किसी की वजह से जो थोड़ी टाइम लगती है, इसे आप इसको डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, अलार्म्स है, शटर्स है, फेवरेट कॉन्टेक्ट्स, ऑदर्स है, अपग्रेड्स हैं। जब अपन में प्रोफाइल्स पे आएंगे तो यहाँ पे अपन में गोल हेल्थ एंड अबाउट सेक्शन पे जाने के बाद जो है इसके टोटली अपग्रेड कर सकते हैं इसके बीटा वर्जंस को भी इजीली, जो काफी सिंपल है। तो अब हम यहाँ पे कॉल फंक्शंस को चेक करने वाले हैं, इसके क्वालिटी को भी। हेलो अंकुश, अच्छा साउंड कैसा जा रहा है? सब ठीक से सुनाई दे रहा है? अब सुनाई दे रहा है? ठीक है। सो मेक श्योर ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर, चैनल पर नए होगे तो इसी टाइप्स के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो टिल नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और नए टॉपिक्स के।